ये कहानी है एक 16 साल के लड़के स्टीव और उसकी टीचर लाइला की, एक ऐसे नाजायज रिश्ते की है जिसे निभाते निभाते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 1943 का समय है, जगह है मालमो, जहाँ पर हमें स्कूल में एक बच्चे को न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होते हुए देखते हैं। सभी बहुत खुश हैं, लेकिन इससे ज्यादा वह इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए एक नई टीचर आई है जिसका नाम है लाइला। वह सभी को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। सभी बच्चे इस फ्री पीरियड में मजे लेते हैं, और इसी क्लास में हम स्टीव को भी देखते हैं जो मात्र भी 16 साल का है। वो सब कर रहा है जो इस ग्रुप के लड़के करते हैं, और उसने एक पेपर पर सभी लड़कियों के बारे में बहुत सी बातें लिख रखी हैं जिसे वह सभी के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन पहले ही दिन लाइला स्टीव को ऐसे करते हुए पकड़ लेती है और फिर उसे बाहर बुलाती है और उसे कुछ सवालों को सॉल्व करने को कहती है, लेकिन उसका ध्यान तो क्लास में था ही नहीं, इसलिए वह उसे सॉल्व नहीं कर पाता। तो लाइला उसके हाथों से वो पेपर ले लेती है जिसमें उसे बहुत सी चीजें लिखी हुई मिलती है। जब वो उसे पढ़ती है तो वो हैरान रह जाती है, इसलिए सभी के जाने के बाद वो स्टीव को पूरी क्लास को साफ करने का पनिशमेंट देती है। और इसी दौरान स्टीव लाइला की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसे नहीं पता था कि यह सही है या गलत, लेकिन वह बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर में लाइला भी समझ जाती है कि स्टीव उसे ही देख रहा है, इसलिए वो उसे घर जाने को कह देती है। खैर, घर आने पर हमें पता चलता है कि स्टीव का भाई शेग एक बॉक्सर है और उससे उसकी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है, इसलिए वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वह आर्मी में जाने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि वह साल चल रहा है जब वर्ल्ड वार टू हुआ था, इसलिए सभी को अपने देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में भर्ती होना पड़ रहा था। उधर हम यह भी देख पाते हैं कि शाम में स्टीव एक थिएटर में वेटर का काम करता है, पर उसके देर आने की वजह से उसके बॉस उससे खुश नहीं होती, लेकिन वो हर बार कुछ न कुछ बहाना बना ही लेता था। अब अगले दिन जब वह स्कूल आता है तो उसका कुछ टेस्ट होता है। उसी दौरान लाइला स्टीव के आसपास घूमती रहती है जिससे वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, पर वह जानबूझकर यह कर रही थी। अब उस दिन जब वो फिर से थिएटर में जाता है तो उसे वहाँ पर सेक्स सरप्राइज देने के लिए आ जाता है, पर वह उसे मना करता है यहाँ आने के लिए क्योंकि स्टीव नहीं चाहता था कि उसका घर का कोई भी मेंबर यहाँ पर आए। शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो उसे घर जाने को बोल देता है। और जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वो घर की ओर निकल जाता है, जहाँ पर हम लिस्बेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसके पास में रहती है। वो स्टीव को बहुत पसंद करती है, लेकिन स्टीव उसे कुछ खास पसंद नहीं करता, इसलिए वो हर बार उसे इग्नोर कर देता है जिससे लिस्बेट को अच्छा नहीं लगता। और यहाँ लिस्बेट उसके देश की भाषा को सीख रही है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, पर इस समय स्टीव के दिमाग में भी लाइला का ख्याल ही घूम रहा है, उसे कोई और लड़की दिख ही नहीं रही। अब घर पहुंचने पर उसका भाई उसके साथ काफी टाइम बिताता है क्योंकि जल्दी ही वो आर्मी में जाने वाला है। यहाँ स्टीव उसे लाइला के बारे में भी बताता है क्योंकि एक वही है जिससे वह सब कुछ शेयर करता है। तो सह कहता है कि ठीक है, अगर वह तुम्हें बार बार स्टॉक कर रही है तो तुम्हें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी बात को ध्यान में रखकर स्टीव अगले दिन स्कूल जाता है, जहाँ पर वह सभी के जाने के बाद काफी सारे सवाल करने लगता है जो थे तो पढ़ाई के, लेकिन वो इनके जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है। और लास्ट में जब वो उन बॉक्स को रखने के लिए जाता है तो वो पहली बार खुद को लाइला के इतने करीब महसूस करता है जो उसके अभी तक का बहुत खास था, क्योंकि आज उसके अंदर लाइला के लिए एक अलग किस्म की ऊर्जा पैदा हो रही थी। वह अब उसे ही देखता रहता है जब भी समय मिलता है। स्पोर्ट्स पीरियड के टाइम पर जब भी बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं, लेकिन स्टीव की आंखें लाइला को ही ढूंढ रही होती हैं। अब यह चीज सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती, वो कभी कभी तो अपने फ्री टाइम पर उसके घर के बाहर भी जाया करता था उसे देखने के लिए। लाइला को भी अच्छे से पता चल चुका था कि स्टीव उसके लिए क्या सोचता है, इसलिए वो उसकी तरफ खींची चली आ रही थी। एक दिन जब वो स्कूल के ऊपर वाली मंजिल पर कुछ सामान लेने के लिए जाने लगी तो उसके पीछे पीछे स्टीव भी चला जाता है। हालांकि जब लाइला ने उसे अपने पीछे आते हुए देखा तो उसे बुरा नहीं माना, पर यहाँ स्टीव को वो मौका मिल चुका था जो वो चाहता था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर बीच में ही लाइला उसे छोड़कर ऊपर चली जाती है, जहाँ पर फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। अब यहाँ पर स्टीव कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो उन सभी चीजों को छूने और महसूस करने लगता है जिसको लाइला ने छुआ था,
जैसे कि वो उसकी क्लास में रखी चेयर को किस करने लगता है जिस पर वह आकर हर रोज बैठा करती थी। ऐसा करते हुए उसके दोस्त भी उसे देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम चेयर क्यों सूंघ रहे हो, पर वो यहाँ पर कुछ और बहाना बना लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन जब जंग में सभी प्लान उड़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो सभी स्कूल के बच्चे बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टीव को कुछ हो जाता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लायला के घर पर चला जाता है, लेकिन वो अंदर जाने से अभी भी डर रहा था। न जाने कैसे उसे देखकर लायला रिएक्ट करेगी, लेकिन वो फिर भी बेल को रिंग कर देता है और वो गेट खोलती है। बिना कुछ सोचे समझे वह उसे अंदर भी बुला लेती है। वहाँ पर वो पहली बार इंटीमेट होते हैं और फिर साथ में बैठकर बहुत सी बातें करते हैं कि तुम मेरे घर हर रोज मत आना क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे हस्बैंड किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए तुम तभी आना जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। यहाँ स्टीव को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो उसकी कई सारी बातें मानने लगा था। लेकिन एक दिन लायला से भी गलती हो जाती है। वो उसे बुला तो लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो कि उसका हस्बैंड है। इसलिए स्टीव भागता है, लेकिन आखिर में फ्रैंक उसे देख लेता है। पर यहाँ उसे लगता है कि शायद लायला का कोई स्टूडेंट है और उसे यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए आया होगा, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद लायला को भी बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद फ्रैंक को सब पता चल चुका होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब इस बारे में उसे पता चलता है तो वह थोड़ा शांत होती है, लेकिन इन सब चीजों से उन दोनों के रिश्ते में कोई दरार नहीं आती। दोनों को जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे से मिल लेते हैं। समय के साथ साथ ये एक दूसरे के और भी करीब आते जाते हैं। क्लास के टाइम पर वो एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर स्कूल के ऑफ होने के बाद वो मिलते हैं। अब ये सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि ये सब उन्हें आगे जाकर क्या दिखाने वाला है। वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक दिन सैक का बॉक्सिंग डे मैच आता है जो उसका आखिर होने वाला था, क्योंकि उसके बाद वो आर्मी में चला जाएगा। स्टीव अपने थिएटर में काम खत्म करके सीधा बॉक्सिंग देखने चला जाता है और वहाँ पर सैक की खूब पिटाई होती है। और जब वह घर आता है तो उसके मुंह की हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर उस रात वो दोनों बहुत बातें करते हैं क्योंकि फिर पता नहीं उन्हें कब मौका मिलेगा एक दूसरे से बातें करने के लिए। जब कुछ रात हो जाती है तो स्टीव को अपने डैड की खर्राटे की आवाज़ की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सीधा लायला के घर पर चला जाता है। उसके पास उसके घर की चाबियां भी होती है, इसलिए वह गेट को खोल लेता है और उसे लगता है कि शायद वहाँ फ्रैंक नहीं होगा, लेकिन वह उस रात वहीं पर था। और वो उसे यहाँ पर फिर से देख लेता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो नींद में होता है इसलिए वो उसे देख नहीं पाता, और इसी का फायदा उठाकर वह आज यहाँ पर फिर से बच जाता है। वैसे ही कहानी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन लायला का जन्मदिन होता है तो वो उसके लिए प्रेजेंट लेकर जाता है। वहाँ पर एक बार फिर उसकी मुलाकात फ्रैंक से हो जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि अभी तक उसकी सच्चाई उनके सामने नहीं थी। लेकिन वह दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनकी दोस्ती भी होने लग गई थी क्योंकि दोनों के विचार और सोच कुछ हद तक सेम थे। फ्रैंक उसे वह सब बताने और कहने लगता है जो कि वह सुनना चाहता था। उसे वह कई सारे गानों के बारे में भी बताता है जो वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ बातें किया करता था। स्टीव को यह दोस्ती रास आ जाती है, इसलिए वह उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है, लेकिन वो लायला के साथ अपने रिश्ते को जारी रखता है। अब इसी तरह से दोनों के रिश्ते चलते रहते हैं। एक दिन फ्रैंक घर पर आता है तो वहाँ पर स्टीव मिलता है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं और उसके साथ में ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ स्टीव को यह सब अच्छे से पता था कि फ्रैंक एक अच्छा इंसान है, लेकिन शायद उसकी अपनी बीवी से इसलिए नहीं बनती क्योंकि वह शराब पीता है, इसलिए वह हमेशा उससे दूर रहती है। अब घर जाते टाइम वह उन दोनों गानों की सीडीज ले जाता है और वहाँ जाकर उन्हें प्ले करने लगता है, लेकिन जब वो उन गानों को उसके डैड सुनते हैं तो वो फौरन जाकर उन्हें बंद कर देते हैं। खैर, अब एक दिन जब स्टीव लायला के घर पर जाता है तो दोनों एक साथ में और शर्टलेस होते हैं, और उसी समय वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जिसे देखकर स्टीव डर जाता है, लेकिन वह कहता है कि घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे बीवी के बीच में संबंध है, मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। क्योंकि स्टीव अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन फ्रैंक उसे रोक देता है और खुद की कहानी बताना शुरू कर देता है कि कैसे जब उसकी शादी हुई तो उस समय वह किसी और के साथ सोया करता था, और फिर एक दिन इस बारे में लायला को पता चल गया।
तब से लेकर वो उसे कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया। और उस दिन के बाद से मैंने उसे कभी भी कुछ नहीं कहा, पर मैंने उस दिन से शराब पीना शुरू कर दिया और इसी को अपना सहारा बना लिया। यहाँ सब बातें स्टीव के लिए काफी अजीब थी, उसे कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था। अभी उसकी उम्र भी बहुत छोटी थी, इसलिए उससे यह सब क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था। लिज़बेथ भी अब समय के साथ साथ उस लैंग्वेज को सीखने लगी थी ताकि वो स्टीव को इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसकी दोस्त बताती है कि लड़के इन सब चीजों से खुश नहीं होते, तुम्हें कुछ और ट्राई करना होगा। खैर यहाँ पर अब सैग आर्मी में जा चुका था और समय के कुछ अंतराल के बाद उसके लेटर भी आते हैं जिसे पढ़कर वह बहुत खुश होता है। यहाँ क्या क्या हो रहा है वह सब कुछ बताता है। उधर फ्रैंक और स्टीव रोज मिलने लग जाते हैं। दोनों अपने अपने पसंदीदा गाने को सुना करते थे। स्टीव फ्रैंक को समझाने लगता है कि शराब कैसे उसकी जिंदगी को खत्म कर रही है, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो वो एक दिन जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन स्टीव उसे समझाता है कि तुम्हें यह शराब पीना कम करना पड़ेगा और उसके कहने पर वह उसकी बात भी मान लेता है और अच्छी आदतों को अपनाने लगता है। और उसे फ्रैंक ऐसे देखकर अच्छा लग रहा था। अब एक हफ्ते के बाद फेयरवेल डे आ जाता है और लिज़बेथ स्टीव को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ वो उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है, पर स्टीव उसे इंटीमेट होने से मना कर देता है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता था, जिससे कि लिज़बेथ का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। असल में स्टीव को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि असल में वो इस समय क्या कर रहा है, क्योंकि अगर लायला को स्टीव पसंद नहीं है तो वो उसके साथ ये सब क्यों कर रही है, यही सवाल वो उससे पूछता है। तो वो कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो शराब पीना शुरू कर देगा, इसलिए मैं उसके साथ उसकी जिंदगी बचाने के लिए रहती हूँ। उधर कुछ दिन बाद अमेरिका में नालन का बिजनेस ठप हो जाता है, इस तरफ दंगे होना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से फ्रैंक का कारोबार भी ठप हो जाता है और इसलिए उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। जब इस बारे में स्टीव को पता चलता है तो वो उसे समझाने के लिए वहाँ जाता है और उसे शराब कम पीने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, वो उसे कुछ और बिजनेस के बारे में सोचने को बोलता है। यहाँ पर स्टीव की उम्र भले ही छोटी हो लेकिन वह बातें फ्रैंक की उम्र जैसा करता है। कुछ देर बाद वह सो जाता है और तभी वहाँ लायला आती है जो उसे अपने साथ चलने को बोलती है। यहाँ पर वो बीच में अटक गया था कि वो करे तो क्या करे, कहीं वो फ्रैंक को धोखा तो नहीं दे रहा। यहाँ पर वो कुछ देर सोचने के बाद यह फैसला करता है, वह फिर यहाँ से चला जाता है और इससे लायला को बुरा लगता है कि वो उससे दूर जा रहा है। अगले दिन वो उससे क्लास में भी कुछ खास बातचीत नहीं करता और यही बात लायला को अंदर से खाना शुरू कर देती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उसके करीब आ सके लेकिन वो उससे दूर ही रहता है। यहाँ से वो सीधा गर्ल्स चेंजिंग रूम में चला जाता है जहाँ पर वह लिज़बेथ से छुपकर मिलता है। वे दोनों करीब आते हैं लेकिन लिज़बेथ को अभी भी कुछ पता नहीं है उसकी और टीचर के बारे में। वहीं पर स्टीव लायला को खुद से दूर करने के लिए लिज़बेथ के पास आया है, पर जो भी बात हो लिज़बेथ यहाँ पर बहुत खुश थी कि स्टीव अब उसके पास है। एक दिन जब स्टीव घर पर होता है तो उसके पास एक टेलीग्राम मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसका भाई जिस सबरीन में था उस पर कल रात हमला हुआ है जिसमें उसके भाई की मौत हो गई है। अब यह झटका वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो रोने लगता है, लेकिन अपनी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। पर कुछ ही देर बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि स्टीव उनसे कुछ छुपा रहा है। जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वो दोनों एक साथ बैठकर रोने लगते हैं। स्टीव उन्हें हौसला देता है कि अभी शिप की तलाशी हो रही है, क्या पता मेरा भाई अभी जिंदा हो, लेकिन सच्चाई में उस शिप में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ लायला गुस्से में पागल होती जा रही थी स्टीव से ना मिलने की वजह से। वो फैसला करती है कि अब वह उसे मिलने के लिए थिएटर जाएगी जहाँ पर वह काम करता है। वहाँ पर उस दिन लिज़बेथ भी मौजूद थी और जब वह स्टीव को ढूंढने के लिए जाती है तो वहाँ पर स्टीव को टीचर के साथ देख लेती है और जब उसके बारे में उसे पता चलता है तो वह वहाँ से भाग जाती है। और बाहर आने के बाद स्टीव उसे बहुत समझाता है लेकिन वो कुछ समझने को राजी ही नहीं थी। अगले दिन स्टीव लायला के घर जाता है और इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ तो लायला शराब के नशे में ही मगन थी। जब वो इस बारे में सुनती है तो वो पागलों जैसी हरकतों को करना शुरू कर देती है और खुद को तकलीफ देने लगती है, इसलिए स्टीव को मजबूरन इस रिश्ते को कायम रखना पड़ता है। कुछ दिन के बाद जब सभी स्टूडेंट स्कूल में होते हैं तो वहाँ पर लायला स्टीव को बताती है कि वो फेल हो गया है। वह समझ गया था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो उस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। वो उससे बात करने की भी कोशिश करता
जाता है, लेकिन लैला उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो चाहती है कि वो उसके साथ वैसे ही रहे जैसे वह पहले रहा करता था, लेकिन अब वो दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। इसलिए क्लास में जब वो सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो यहाँ गुस्से में स्टीव डेस्क को लात मार देता है, जिससे उसे प्रिंसिपल का बुलावा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि अब उसे दोबारा से क्लास को रिपीट करना होगा, मतलब एक साल उसका बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर वह भागते हुए क्लास में जाता है और वहाँ पर उन रजिस्टर में अपने मार्क्स को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उन पेजेस को लैला ने फाड़ दिया था। अब वो यहाँ से सीधा फ्रैंक के पास जाता है ताकि वो लैला से बात कर सके और वह उसे पास करवा दे, लेकिन वह तो नशे में ही धुत था, इसलिए वह कुछ भी नहीं सुनता। अब एक दिन क्लास में प्रिंसिपल आता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे उस समय उसके भाई के बारे में पता चल गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से कुछ प्लेन आ जाते हैं जो स्कूल के ऊपर ऑयल गिराना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ बच्चे घायल भी हो जाते हैं पर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद सैनिक का फ्यूनरल होता है जहाँ पर सभी का परिवार होता है। वापस जाते टाइम स्टीव की माँ को लगता है कि शायद वह रात में काम करता है, इसी वजह से वह फेल हो गया, क्योंकि अभी उन्हें उनकी सच्चाई का पता नहीं होता। और वह कहता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको इसका रीजन खुद बता दूंगा। इसके बाद वह जाकर अपने डैड को संभालती है, जो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं अपने बेटे को खोने की वजह से। और कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट सैमरिन होती है, जहाँ पर सभी बच्चों को रिजल्ट दिया जाता है। और जब बारी आती है स्टीव की, तो वो सभी के सामने लैला को कुछ ऐसा करके दिखा देता है जिसकी वजह से वह शर्मिंदा हो जाती है और वो यहाँ से बिना रिजल्ट लिए हुए चला जाता है। लेकिन उस हरकत से लैला बहुत परेशान हो जाती है और शर्मिंदा भी। और इधर स्टीव स्कूल से जाकर सारी बुक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब उसे खुद पर ध्यान देना है और उसे खुद को साबित करना है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड थैंक यू for watching.